नमस्कार डियर स्टूडेंट, यदि आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपने हमारा चैनल कृषि इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहे। आज का जो हमारा विषय है कि हम किस तरह से एग्रीकल्चर की कंपटीशन की तैयारी करें, किन किन बुकों को पढ़ना चाहिए जिससे हम निश्चित तौर से सफलता मिल जाए। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और अभी आपकी बीएससी एजी चल रही है और आप 6 या 7 सेमेस्टर में हैं तो हमारे हिसाब से आपको यहीं से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो 7 सेमेस्टर है और 8 सेमेस्टर है यहाँ पर आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए काफ़ी समय मिलता है। इसलिए आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर अरुण कात्यान के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों बुकों को परचेज कीजिए। इन बुकों को रीडिंग करने से आपका जो बेस है एग्रीकल्चर का वो अच्छा बनेगा। जब आप फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अरुण कात्यान के पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप SR कंटवा की बुक परचेज कर सकते हैं मार्केट में, जो लगभग 250 से 300 रुपये की आपको मिल जाएगी। इस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सारे सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ जब आपके एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ जाता है, कम समय बचता है, तो उस समय में मैं आपको सबसे अच्छी बुक सजेस्ट करूँगा, वो है नैमराज सुंडा ले आइए, या फिर RK शर्मा। इन दो बुकों को पढ़िए। तो इन दो बुकों में क्या है, शॉर्ट में मैटर दिया हुआ है, कम शब्दों में अधिक कवर किया गया है। तो आप इन बुकों को पढ़ करके कम समय में अपने एग्रीकल्चर के नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप करंट अफेयर के रूप में योजना या फिर और भी न्यूज़पेपर है उनको पढ़िए, इससे आपका एग्रीकल्चर नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर भी तैयार होगा। तो दोस्तों, यदि आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो आप इन सारी बुकों का अध्ययन कीजिए। आपको ज़्यादा बुकें नहीं पढ़ना है, कम बुकों से ही आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि जो बुकों में क्या होता है, मैटर सबका एक जैसा रहता है। तो आपको ज़्यादा बुकें नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा आपको कॉन्सेप्ट वाइज याद करना है। यदि आप इन सारी बुकों को पढ़ते हैं तो आपकी सफलता है निश्चित तौर से आपके कदम चूमेगी।